जब कभी हम इस प्रकार के केंद्र पर आए जहां पर चेतना के आत्मिक विकास का अनुसंधान होता हो, तो वह स्थान अनुभूति का होता है, बोलने का नहीं होता है। परंतु आग्रह हुआ है तो अनुभूति के कुछ वाक्य कहने का प्रयास करूंगा। हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय वाङ्मय में सारा का सारा अनुसंधान अपने अंदर खोजने के लिए है। और जब आप अंदर खोजते हैं आपको क्या मिलता है और बाहर खोजते हैं तो क्या मिलता है, इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। आप धरती के ऊपर चलते चले जाइए, एक नगर मिलेगा, दूसरा नगर मिलेगा, एक क्षेत्र मिलेगा, दूसरा क्षेत्र मिलेगा, विविध प्रकार के लोग स्थान देखने को मिलेंगे। मगर अगर धरती के अंदर जाना शुरू करिए तो दुनिया बदली कैसे जा सकती है। कहीं पर आपको कोयला मिलेगा तो कहीं सोना मिलेगा, तो कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, तो कहीं रत्न मिलेंगे। यानी जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो कि जीवन को बदल सकती हैं, वह अंदर आकर प्राप्त होती हैं, वह बाहर सतह पर प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है, कबीरदास जी ने क्या कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और जो बूढ़ा बौरन डूबन डरा रहा किनारे बैठ। और इतना ही नहीं, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी आंखों के सामने भले ही कृष्ण वर्ण हो, हमें प्रारंभ में श्याम रंग दिखता हो, परंतु जो जो हम उस रंग में उतरते चले जाते हैं, अचित की उज्ज्वलता स्वतः उभर कर सामने आती चली जाती है। जिसे बिहारी लाल जी, जो बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हिंदी के, उन्होंने कहा, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोए, जो जो डूबे श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। तो अंदर जाकर हमें एक अलग प्रकार की उज्ज्वलता का आभास होता है। और जब हम अंदर जाते हैं, कभी आप ध्यान लगाते हैं, आप सब लोग तो इस विषय के बहुत दक्ष हैं, जब भी ध्यान लगाते हैं तो दो बिंदु चुनौतियां सबसे बड़ी आती है। पहली चुनौती है कि मन किसी एक बिंदु पर स्थिर नहीं रहता, कभी वो एक विषय में भागता, कभी दूसरे विषय में भागता। दूसरा, मन की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति अधोगामी है, नीचे की तरफ। यदि मनुष्य के ऊपर मर्यादा, समाज, नियम, कानून के बंधन ना हो तो 100 में से 99 मनुष्य पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ने की संभावना रहती, यानी जो जी में आए वो करें और जो जी में चाहे उसको ग्रहण कर लें, मानवीय और दैवीय मूल्य की तरफ जाने की संभावना मुश्किल होती है। इसीलिए हमारे यहाँ सारा अनुसंधान किस बात पे है कि जो अधोगामी है प्रवृत्ति है, डाउनवर्ड टेंडेंसी है, वो डाउनवर्ड टेंडेंसी को किस प्रकार से स्थिर करके अपवर्ड टेंडेंसी की तरफ ले जाया जाए, सारा का सारा अनुसंधान इसके लिए है। और आप सभी ने सुना है कि हमारे यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है जहां से सूर्य अपनी गति बदलता है, वो क्या होता है, मकर संक्रांति। उसको संक्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि उस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड होते हैं। अब मैं इसी विषय को जरा विराट रूप में देखूं तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, हम दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो हर बड़े देश में क्रांति हुई है, चाइना की क्रांति सुनी है हमने, फ्रांस की क्रांति सुनी है, ब्रिटेन की क्रांति सुनी है, रूस की क्रांति सुनी है, अमेरिका की क्रांति सुनी है, सिर्फ भारत में क्रांति नहीं सुनी। क्यों? क्रांति वहां होती है जहां सब कुछ बाहर पाने की इच्छा हो, परंतु जहां अंदर खोजने की प्रयास होता है वहां संक्रांति होती है। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं, संक्रांति घटित होती है। और यहीं से वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम आता है, वहीं से वो वैल्यू बेस्ड गवर्नेंस आती है। क्योंकि हम संक्रांति के देश थे, इसलिए हम ही दुनिया के एकमात्र बड़े देश हैं जो दुनिया के ज्यादातर समय सबसे ताकतवर रहते हुए किसी दूसरे देश पर हमने आक्रमण नहीं किया, किसी दूसरे देश का हमने अधिग्रहण नहीं किया। हमारे यहाँ इन्वेजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि हमें दुनिया को नहीं जीतना था, जीतना हमें अपने को था। इसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसके गुरु अरिस्टोटल पर्शिया में, यानी आज के ईरान में रुक गए। तो अलेक्जेंडर ने कहा, मैं भारत जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है और यहां अनेक प्रकार की कीमती चीजें हैं, तो गुरुदेव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊं, आप मुझे आदेश करें कि मैं कौन सी कीमती चीज लेके आऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि तुम हीरे जवाहरात कितनी भी कीमती चीज ले आओ, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि वहां कुछ फिलोसफर्स होते हैं जिन्होंने बहुत गहरा ज्ञान अर्जित कर रखा होता है, उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ, शायद उनसे बातचीत करके मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। मगर जब वो तक्षशिला में आता है और उसके सैनिक आकर कहते हैं आचार्यों से कि आप चलिए, तो जाने से मना कर देते हैं। तो कहते हैं ये विश्व विजेता सिकंदर का आदेश है। तो जानते हो आचार्य क्या जवाब देता है, उसे तुम विश्व विजेता कहते हो जो अपने हृदय में उत्पन्न हुई विश्व विजय की इच्छा से इस कदर पराजित हो गया कि उसने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसे विश्व का सबसे पराजित व्यक्ति कहोगे या जीत व्यक्ति? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है, हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, जिसे न काटा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न जलाया जा सकता। उसे समझ ही में नहीं आया और वो 300 आचार्यों को बंदी बना के ले गया, परंतु उन सबने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए और वो नहीं ले जा पाया, क्योंकि ये भारत एक अलग प्रकार का राष्ट्र है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, सिर्फ आज से 60-70 साल पहले इस बात को लेकर भारत का, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था कि यहां कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगा के बैठो। अरे भाई, ध्यान लगाने से कोई ज्ञान प्राप्त होता है? इट्स इम्पॉसिबल। ये कहा जाता था, इफ यू वांट टू अटेन नॉलेज यू शुड गो मीट द पीपल, look at the different places, study the circumstances, then you will be able to understand what the knowledge is, like what Darwin has done. अब मैं पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ 50-60 साल गुजरे हैं और नई टेक्नोलॉजी ने हमें क्या सिखाया है? अगर आज हमें अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं, यहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़िए, आपको लगभग एक दिन लगेगा पहुंचने में, आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि अपने हाथ के मोबाइल में
न्यूयॉर्क टाइम्स डाउनलोड करिए या कोई अखबार, वाशिंगटन पोस्ट डाउनलोड करिए या ट्रिब्यून डाउनलोड करिए और घर से पढ़ लीजिए। क्यों? ये एक डिवाइस है, डिवाइस में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिंग नेटवर्क है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर एक डिवाइस है, हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है, जहां संपूर्ण ज्ञान इस आकाश में है, बस हमें उससे संबंध स्थापित करना है और स्वतः ज्ञान की अनुभूति होती है। और यहां आपने देखा कि यहां उसी प्रकार की साधना होती है, परंतु कई बार वैल्यू भटक जाए तो क्या होता है? मेरे मन में भाव आता है, जब यह संस्थान शुरू हुआ, मैंने पढ़ा 1937 में सिंध में, जो आज के हैदराबाद सिंध में, जो आज के पाकिस्तान में था, वहां प्रारंभ हुए, वहां से यहां आ गए। और जानते क्या होता है, जब इस ढंग की पुण्य प्रताप की चीजें किसी स्थान से बदलती हैं, तो उस स्थान की गरिमा, उस स्थान का प्रभाव वह भी समाप्त हो जाता है। आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हम और जहां से आपका संस्थान शुरू हुआ था, इन दोनों जगहों के मुकाम में कितना अंतर आ गया। मैं पहले इस विषय का उल्लेख कर चुका हूं कि एक बार मैं टीवी डिबेट में था और पाकिस्तान की एक पत्रकार महोदया कहने लगी, अरे हमारे आपके बीच में क्या बराबरी? हमने कहा बिल्कुल बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपके अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उस जमाने में गूगल के ऊपर कुछ लिखा जाता था तो कुछ ऐसी चीज आ जाती थी जिसको लेकर उनको बड़ा कष्ट था उस जमाने में। मतलब मैं इस विषय का यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता, फिर भी कह देता हूँ, गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने यह मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा गलत कह रहे हैं, सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है, और इतना ही नहीं, एक जमाने में जो सबसे बड़ा सिटी बैंक है उसका सीईओ भी भारतीय था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, मगर आप और हम साथ साथ चले थे, आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं, लश्करे तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। तो ये दर्शाता है कि अगर आप वैल्यू से भटक जाते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज जैसा कि अभी बताया आप, ये डायमंड हॉल है और ये डायमंड जुबली है। हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये पूर्ण नहीं हुआ है, ये अमृत काल की शुरुआत है, ये अमृत काल की प्रथम अरुणिमा है, जो अगले 25 वर्षों में भारत को वहां पर पहुंचाना है जो इसका वास्तविक भवितव्य था, और उस सब के लिए हमको प्रयास करना है। और वह भवितव्य क्या था? वह भवितव्य यह था कि हम दुनिया में उठेंगे तो सिर्फ एक सुपर पावर बनने के लिए नहीं। पावरफुल आदमी के बगल में आप खड़े होते हैं तो आपको थोड़ा ठिटका हुआ, थोड़ा संकोच, कभी कभी थोड़ा सा दबा हुआ महसूस करते हैं। हम वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए नहीं उठ रहे हैं, हम जगत गुरु बनने के लिए उठ रहे हैं, क्योंकि जब गुरु के बगल में आप खड़े होते हैं तो आनंदित, आह्लादित महसूस करते हैं। तो यस, इन दिस अमृत काल वी आर ऑल सेट टू राइज ऑन द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। आप कहेंगे तो सैद्धांतिक बात है, क्या ये वास्तविकता में है? एक झलकी तो दिख गई जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ, आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अरे राष्ट्र तो छोड़िए, जो लोग योग करते हैं क्या वो मोटिवेट नहीं होते? ये हमारे राष्ट्र की शक्ति है, ये हमारे हमारी संस्कृति की शक्ति है। इसलिए हम विषय को ज्यादा आगे न ले जाते हुए सिर्फ एक छोटी सी बात कहेंगे, कभी कभी हमारे यहां जो कथानक है उसके अंदर भी बहुत से सूक्ष्म तत्व होते हैं जो आपके ध्यान साधक ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। उदाहरण के लिए मैंने एक बात पहले कभी कही कि कभी आपने सोचा कि सीता जी जब वन में थी और मृग सोने का दिखा और उन्होंने भगवान राम से कहा, जाओ सोने का मृग होता है, जरा इसके पीछे अनुसंधान करो जाके, इसका अर्थ क्या है? आप सब ने संस्कृत का वह कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, परंतु इसका पूर्ण श्लोक जानते क्या है? वो यह है, न निर्मिते न दृश्यते कदैव, न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका अर्थ, न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को ऐसा घेर लिया भगवान को कि वो उसके पीछे चले गए। इसका अर्थ जानते क्या है? हिरण प्रतीक है मन के सुंदर सुखद आनंद और संतोष का, सोना धन संपत्ति का, धन संपत्ति में सुख नहीं होता है, इसीलिए सोने का हिरण नहीं होता है। मगर सीता जी जीवात्मा का प्रतीक है, वो भ्रम में आ गई तो हम क्या करते हैं भ्रम में आकर, कि जब अंदर की आत्मा हमें बताती है कि इसमें धन संपत्ति में सुख नहीं है, यानी सोने का हिरण नहीं होता है, हम कहते नहीं हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि हमें दूर से दिखाई पड़ता है। इसीलिए संस्कृत और हिंदी में मरीचिका शब्द है, मृग मरीचिका, और फिर हम क्या करते हैं, राम जी को भेज दिया सोने का हिरण खोजने, यानी अपने अंदर की सारी परमात्मा की शक्ति को लगा देते हैं सोने यानी धन संपत्ति के अनुसंधान में, बस वहीं आकर जो आतुरी शक्तियों का रावण हमें घेर लेता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हमें मन को कहां केंद्रित करना है और कहां नहीं केंद्रित करना है। और इसमें एक और वाक्य अंत में कह दूं, ये रावण के जब 10 सिर कटते थे तो एक सिर कट के दूसरा क्यों खड़ा हो जाता था और भगवान इसको रोक नहीं पाते थे, और अंत में कहा गया कि नाभि पे जब वो आक्रमण करेंगे, नाभि ध्वस्त होगी तभी उसके सर उठने बंद होंगे। उसका कारण जानते क्या है? रावण के 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक हैं, एक सर कटता है दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है, तो इसका अर्थ हुआ किसी इंद्रिय की कोई इच्छा पूरी करिए वो तुरंत दोबारा आ जाएगी और भगवान भी उसे रोक नहीं सकते। केंद्र में आकर जानते कैसे रुकता है? एक सर्किल होता है ना वृत्त,
वृत्त की परिधि पर घूमते रहिए, उस वृत्त का कभी अंत नहीं मिलता है। एक चक्कर काटेंगे दूसरा चक्कर आगे दिखने लगता है। इसलिए जब तक आप परिधि पर रहते हैं सर कट कर उगते रहते हैं। जब वृत्त का केंद्र में जाते हैं तो आपको वृत्त का वहां पे मूल स्रोत समझ में आता है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्यों नाभि पर जाकर यानी अपनी आत्मा के केंद्र में जाकर हम यह तय करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहकर विषय को समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव में हम विश्व के सबसे युवा देश हैं। यह सत्य है परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है कि हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इसलिए हमने बहुत कुछ किया है परंतु अभी भारत के वास्तविक स्वरूप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ बाकी है। इस सब में हम सबको योगदान देना है, मिलकर देना है। तो मैं अटल जी की अपंक कहकर विषय समाप्त करता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा। और कभी कभी अपने ही लोग इन विचारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का अत्र बनाने नव दधीच हड्डियां जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। धन्यवाद।